हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता वंडर रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो आइए देखते हैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ग्लास चावल लिया है। चावल को मैंने आधे घंटे तक भिगोकर धो लिया है और अभी हम डालेंगे चावल को कुकर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने चावल इस ग्लास से मापा था, तो मैं इसी ग्लास से 6 ग्लास, करीबन इतना हाफ हाफ ग्लास करके मैं 6 ग्लास में पानी डालूँगी चावल के अंदर। यहाँ पे मैंने चावल में पानी डाल दिया है। अब हम गैस को करेंगे ऑन। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा खड़ा मसाला, जो गरम मसाला डालेंगे हम। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 स्टार फूल और दालचीनी, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग इसके अंदर डाल देना है। और हम कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। इसमें हमें अभी नमक नहीं मिलाना है और चावल आप अपने अकॉर्डिंग ले, तो पानी आप उसी हिसाब से लें। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास चावल लिया था, तो मैंने 6 ग्लास, हाफ हाफ 6 ग्लास मैंने पानी डाला है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाना है। 1 सीटी आते ही हमें कुकर को गैस से नीचे उतार देना है। अब हम चलते हैं चिकन मैरिनेशन की तरफ। जब तक हमारा चावल पक रहा है, तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 4 प्याज को स्लाइस में पतले पतले से काट कर इसे डीप फ्राई किया है। इस तरीके से आपको भी डीप फ्राई करके रख लेना है। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है और मैंने 3 बड़े साइज़ का टमाटर को बारीक काटा है। अभी हम मैंने यहाँ पे लिया है चिकन 750 ग्राम। अच्छे से इसे मैंने धो लिया है और इस तरीके से हम एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं डालूँगी दही। 750 चिकन है, तो इसमें आप 4 बड़े चम्मच दही के डालें। तो यहाँ पे मैं डालूँगी दही। दही से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। पुदीना बहुत ही मस्ट है, दही और पुदीना तो बिल्कुल मस्ट है, तो आप पुदीना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर नहीं है आपको, बिल्कुल एक भी दाना नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है आपके पास, तो कोई इशू नहीं है, आप दही से भी काम चला सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम हल्का सा नमक। अभी हमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अभी सिर्फ हल्का सा नमक डालेंगे ताकि हमारा चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पकने में इजी हो जाए। अब यहीं पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच आप इसमें डाल दें। और अब हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से दही और पुदीने, नमक और लहसुन पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल छोड़ें, तभी इसमें चिकन में दही और पुदीने का फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स करके छोड़ दें। 20 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा चावल बनकर तैयार हो गया है और अभी इसकी सीटी ठंडी हो रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमें चिकन में बिरयानी बनाने के लिए क्या-क्या आइटम की ज़रूरत है। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 से 4, मैंने अपने चिकन के अकॉर्डिंग मैंने 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज को इस तरीके से फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। अब हमें लेना है पुदीना और यहाँ पे मैंने लिया हल्दी, ये रेड चिली पाउडर, आप तीखा वाला भी ले सकते हैं, आप कलर वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, ये हमारा चिकन मैरिनेटेड चिकन। और इसे हम बनाएंगे घी में। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में नहीं बना सकते हैं, बाकी आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी इसे घी में। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और यहीं पे मैंने लिया है तेज पत्ता। 3 से 4 मैंने यहाँ पर लिया है दालचीनी। 5 से 6 हमें लेना है लौंग। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ, जिसको बारीक काटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास बड़े बड़े कलियाँ थी, तो मैंने यहाँ पर 6 कली ली है। आपके पास छोटे छोटे हो तो 10 से 12 कलियाँ ज़रूर यूज़ करें।
यहाँ पे मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। तो आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, आप चाहें तो नॉर्मल कुकर में बना सकते हैं, किसी पतीले में बना सकते हैं, मैं इसके अंदर ही बना रही हूँ। तो इसे मैंने अभी गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी इसे हम करेंगे गर्म। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बिरयानी में, जैसे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल यूज़ करें, अगर नहीं खाते हैं तो आप नॉर्मल बिना कलर का भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसे होने देंगे पहले गर्म। तो यहाँ पे हमारा कुकर हल्का सा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे घी। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। बिरयानी में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं नॉर्मली घी में ही बनाती हूँ। तो आप भी घी में ही ट्राई करें एक बार, तो आपको एक्चुअल फ्लेवर आएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक है ये बिरयानी बनाने का। मार्केट से तो खाते ही हैं हम, बट क्यों ना इस तरीके से एक बार इसे ट्राई करें। और बिल्कुल घर का स्वाद, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी यहाँ पे हम घी को होने देंगे गरम, तो हमारा घी अभी गरम हो रहा है। तो देखिए हमारा लगभग घी गरम हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे तेज़पत्ता, इसके अंदर दालचीनी, लौंग, और जितना हमने अदरक काटा था वो सारे डाल देंगे, और लहसुन की कलियाँ। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, बस कलर चेंज हो जाए उतना ही तक हमें करना है। तो देखिए हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके, हल्का सा बस हमें पानी लेना है, और सारे दही को इस तरीके से लेकर चिकन के अंदर डाल देना है। अब हमें चिकन को ढक ढक कर तब तक पकाना है जब तक कि हमारा चिकन हाफ़ पक ना जाए, नॉर्मल पूरा चिकन पक जाना चाहिए। तो अब हम इसे ढक ढक कर अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम इसे कर देंगे कवर, और इसे कवर करके हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे हल्का पकाना है। तो आइए हम अपना चिकन चेक करते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत पानी है, इसका पानी पूरा नहीं सुखाएंगे, इसका पानी हम हल्का और सूखने देंगे, उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अभी नमक डालूँगी। नमक हमें उतना डालना है कि हमारा चिकन और राइस जब मिक्स हो तो उसके अंदर हमारा नमक का टेस्ट आ जाए। मैं अपने चिकन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक, और अब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। नमक डालने से हमारा चिकन थोड़ा जल्दी पकेगा। तो बस अब इस स्टेज पे हमें फिर से इसे ढककर थोड़ा और पानी सूखने तक पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पानी हल्का सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ग्रीन चिली, तीखा आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली 2 बड़े साइज़ का। और अब यहीं पे डालेंगे हम टमाटर जो हमने बारीक काटा था, और अब इसे हम टमाटर के साथ पकने देंगे। इससे हमारा टमाटर भी थोड़ा मैशी सा हो जाएगा, और टमाटर के रहने से हल्की सी बिरयानी में ग्रेवी सी होती है। इस बिरयानी को खाने से आपको अलग से कोई ग्रेवी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतना हल्का सा ग्रेवी होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है अलग से ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पे हम टमाटर को डाल दिए हैं, और अब इसे ढक के हमें फिर से पकाना है।
अभी हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो ये हमने डाला प्याज, थोड़ा प्याज हम रखेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। तो इतना प्याज मैंने बचा लिया है और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी प्याज डालने के बाद हमें करीबन 2 से 3 मिनट के लिए से फ्राई करना, उसके बाद हम सारे मसालों का यूज़ करेंगे। देखिए पानी हमारा बिल्कुल सूख चुका है, हल्का सा पानी बचा है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे सारे मसाले। तो ये हमने डाला रेड चिली, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, अभी हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना और बिरयानी मसाला। इसमें हम डालेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और अब हम इसे कर देंगे मिक्स। इस तरीके से हमें अभी मसालों को थोड़ा फ्राई करना है, हमारा मसाला थोड़ा भुन जाएगा फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला मिक्स हो चुका है, अब हम इसे कर देंगे कवर और कवर करके हमें इसे फिर से पकाना है चिकन को। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो यहाँ पे मसाला हमारा लगभग भुन गया है, हमें इसे थोड़ा और भुनना है। और अगर मसाला आपका नीचे चिपकने लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे चिकन में इतना पानी था कि मसाले भुन जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमें 5 से 10 मिनट थोड़ा और पकाना है। वैसे आप चेक कर लें, अगर आपका चिकन भुन गया है तो आप उसे अच्छे से फ्राई कर लें, और अगर आपका चिकन नहीं भुना है तो इसे ढक ढक कर थोड़ा और पका लें। देखिए हमारा चिकन और मसाला बिल्कुल भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अपने राइस को। अब यहाँ पे हम कर देंगे गैस को बंद, यहाँ पे मैंने अपने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे राइस। तो मैंने अपने इस बर्तन को बाहर निकाल लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे राइस। राइस को हमें अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला कर डालना है। यहाँ पे मैंने सारे राइस को इसके अंदर डाल दिया है। इस तरीके से हमें चारों तरफ इसे फैलाते हुए ही डालना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ प्याज, इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है राइस के साथ, तो इस तरीके से आप इसमें चारों तरफ से स्प्रेड करते हुए डालें। यहाँ पर मैं पूरे प्याज को यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा धनिया जो मैंने बारीक काटा था, तो यहाँ पे मैंने डाला धनिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी फूड कलर। यहाँ पे मैं दो कलर को मिक्स करके डाल रही हूँ। ये मैंने पहले येलो कलर को मिक्स किया है, पानी में से घोल लें या फिर आप इसे थोड़ा सा दूध में घोल लें, किसी भी चीज़ में आप घोल सकते हैं, मैं इसे पानी में ही घोल रही हूँ। थोड़ा सा हमें इसे साइड साइड से भी डालना है ताकि हमारे राइस बिल्कुल कलरफुल बने। और अब हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे रेड कलर। कलर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपको अगर फूड कलर खाना पसंद है तो ही आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर, तो रेड कलर भी हमें इसे इस तरीके से डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है रेड कलर और येलो कलर, तो आप चाहें तो डालें,
वरना आप इसे छोड़ दें। तो ये देखिए, ये हमारा बिरयानी बनकर तैयार है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा घी डालूंगी, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने घी इसमें बहुत सारा यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें घी डाला है, और अब हम वापस से इसे इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो वापस से आप गैस को ऑन कर दें, और सिर्फ 1 से 2 मिनट, 1 मिनट के लिए इसे फिर से आप स्टीम कर लें। तो यहाँ पे मैं इसे 1 मिनट के लिए इसे स्टीम करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद इसे आप आधे घंटे या 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दें। उसके बाद आप इसे बनाएं और निकालें, सर्व करें और खाएं। तो हमें गैस को बंद किए हुए, लाइट को कट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इस तरीके से हम इसे नीचे से मसालों को ऊपर करते हुए राइस को इस तरीके से प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है चिकन बिरयानी की प्लेटिंग। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, खाएं, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।